Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मेंद्र, रोए तो राजेंद्र, नाचे तो जितेंद्र, गौर से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर। और वो बंदर जो था बड़ा कमीना बंदर था, बड़े काम का बंदर। सबसे पहले तो उसकी पेमेंट मेरे और गोविंदा से ज्यादा थी, बड़ा कमीना बंदर था। और उसने हमें दो तीन बार काट भी लिया। इनफैक्ट गोविंदा और मुझे शूटिंग के बीच में जाके हॉस्पिटल में रेबीज के शॉट्स भी लेने पड़े। नशा फॉर स्टूडियो टाइम विद द वन ओनली चंकी पांडे, जहां पर हम तस्वीरें दिखाएंगे एंड ये उनसे जुड़ी यादें शेयर करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर जॉय राइड, हियर्स व्हाट वी होप। सो हियर्स प्रेजेंटिंग पहली तस्वीर आपके लिए। ओ बाप रे बाप, रैम्बो रैम्बो। नाउ यू नो व्हाई आई सेड इट्स द परफेक्ट टाइम, बिकॉज़ यू एक्चुअली टच्ड ऑन इट एंड यू स्पोक अबाउट चल रही थी एंड वी ऑल वॉन्टेड टू बी रैम्बो, बेसिकली रैम्बो रॉकी। तो मेरे बाल लंबे लंबे थे एंड यू नो पुटिंग ऑन मसल एंड वर्किंग आउट, सो ये तब की पिक्चर है। और हम बड़ा तेल मेल मालिश करके यू नो मसल्स फ्लेक्स करके फोटोज लेते थे, और तब कोई फोटोशॉप नहीं होता था कि हम सिक्स पैक्स बनाएं, बट हमको जेन्युइनली काम इसमें ही चलाना पड़ता था। वेट्स मारते थे यू नो शॉट के पहले एंड देन वी यूज्ड टू डू दिस शूट्स। वर यू कैमरा एंड यू वर नेवर कैमरा शाय ना, आप एकदम बढ़िया एकदम पहले से ही द कैमरा शाय ऑफ मी। मैं तो कैमरा ढूंढता हूँ भाई, कैमरा किधर लगा हुआ है। मैंने इनफैक्ट मेरे घर में कुछ 8-10 कैमरा लगा के रखे हैं, मैं हमेशा परफॉर्म करते जाता हूँ। Wow, that's what you know. I think that's the whole energy that I think you even give out to people when they talk to you. I think that's why it is. Okay, from here, Ajay, I have to ask you, kitna zyada because of this, you know, kind of image and this body and model looks and everything. Shuruaat se kitna female attention aapko hamesha mila hai? How you managed to, you know, sort of steer through it? So I got married at the age of 35. तो 35 साल तक तो मैं बैचलर था एंड आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड व्हाई गेट मैरिड देन यार, आई मीन ऑफ कोर्स आई एंजॉयड इट, बट द बिग सीक्रेट इज दैट व्हेन आई वाज बोर्न माय मदर वाज एक्सपेक्टिंग अ गर्ल एंड आई वाज बोर्न एज अ बॉय। इनफैक्ट दैट डे इन द हॉस्पिटल 17 गर्ल्स वर बोर्न, आई वाज द ओनली बॉय हु वाज बोर्न। तो 2 साल की उम्र तक माय मदर ड्रेस्ड मी अप एज अ गर्ल, मैं फ्रॉक्स पहनता था, मम्मी लिपस्टिक लगाती थी, कान के बालियां भी लगा रही थी मेरे लिए। एंड देन आफ्टर द एज ऑफ 2 शी स्टार्टेड ड्रेसिंग मी एज अ बॉय। तो बचपन के 2 तक तो सब लड़की के फोटो है मेरे, तो आई एम क्वाइट अ लेडीज मैन, यू नो बोलते लेडीज मैन। मैं अभी भी जब दुकान में जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए तो जो कपड़े मैं उठाता हूँ तो दुकानदार पूछता है, भाई ये आपकी बीवी के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए, किसके लिए शॉपिंग कर रहे हो? नहीं भाई, ये मेरे लिए है। सो आई लव यू नो द काइंड ऑफ क्लोथ्स आई लाइक, ब्राइट कलर्स, आई लाइक पिंक, आई लाइक बेबी ब्लू, आई लाइक कलर्स विच गर्ल्स लाइक, या सो आई हैव गॉट दैट, देयर इज अ वुमन इन मी समवेयर। We love it. We love whatever is in there and it keeps jumping out. We have now talking about lots of attention. Oh, honeymoon, South Africa. ये हमने केप टाउन में खींचा था ये फोटो 1998 जनवरी 17 जनवरी को शादी हुई थी और हम 25 की रात को निकले थे साउथ अफ्रीका के लिए। और ये केप टाउन का एक बीच है, नाम भूल रहा हूँ बीच का, लेकिन इसको हाँ मुझे लगता है पेंगुइन बीच बोलते हैं, बिकॉज यहाँ वाकई जो पीछे जो घूम रहे वो हैं पेंगुइन्स। एंड हमने भी लिंगो में कहें तो फोटो बॉम्बर्स हैं इतने सारे। फोटो बॉम्बर, कितने फोटो बॉम्बर्स, सच्ची फोटो बॉम्बर हम हैं। हम घुस गए शॉट के अंदर। तो भावना और मैंने कोशिश की कि हम पेंगुइन बन के फोटो खींचे एंड दैट्स व्हेयर दिस फोटो इज। यस, सो नाइस। वन थिंग दैट यू नो, वन चेंज दैट भावना गॉट इन यू, कोई ऐसी बात जो यू नो बीइंग चंकी यू आर अ लिटिल मॉडिफाइड और अ बेटर वर्जन, क्या क्या होगी वो? शी ट्राइड टू चेंज माय dress, sense of clothing and dressing, but she didn't succeed much. I mean, there was a time where I used to dress up like Ranveer Singh, but Bhavna ne thoda mere ko sober kar diya uske baad.
नहीं बट ठीक है, आई थिंक वो नहीं सोबर हो तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा. नेक्स्ट तस्वीर. ओ बाप रे बाप, खतरों के खिलाड़ी भी मेरी थर्ड फिल्म थी. इसको हमने चेन्नई के रेस कोर्स में शूट किया था, संजय दत्त, माधुरी, चंकी पांडे, नीलम. बहुत मजा आया था इस फिल्म में. टी रामा राव डायरेक्टर थे इसके, और मुझे याद है इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था लिबर्टी सिनेमा मुंबई में, और मैं अकेला एक्टर पहुंचा था बिकॉज संजय दत्त उस वक्त अमेरिका गया था और धर्म जी अवेलेबल नहीं थे. और मुझे याद है जब फिल्म की का प्रीमियर फिल्म चल रही थी तो धर्म जी हमारी पिटाई कर रहे पिक्चर में, मेरी और संजय दत्त की. और मुझे याद है ऑडियंस से किसी ने चिल्लाया कि धर्म जी जरा जरा चंकी पांडे की ज्यादा पिटाई करना. मुझे इतना फील हुआ है, मुझे क्यों मार रहे थे. बट यस, दिस वाज धर्म जी, हमारे डैड थे इस पिक्चर में, और मैं और संजू उनके ट्विन सन्स थे, खतरों के खिलाड़ी जी. एंड ये पोज बहुत ही क्यूट है. I doubt ऐसे poses आजकल मिलती भी है. किसका idea था ऐसे pose करना? This was basically a very south production, south this thing, and in south they love all this, you know, दो hero, दो heroine, गाना गा रहे हैं. This is the grandness of Bollywood, yeah. This is what I miss in Bollywood now. कि you know, ये multi-star films, you know, good-looking people, 5-10 of them on screen, मजा आता है. That is true. Good-looking people on screen से याद आया. ओहो, आग ही आग. माय गॉड, मेरी पहली पिक्चर. ये फोटो हमने खींचा है ऊटी में, और हम रुके थे फर्नेल पैलेस होटल में, और मुझे लगता है ये मेरा पहला गाना था नीलम के साथ, साजन आ जाओ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. यस यस यस, मैं बहुत नर्वस था बिकॉज मैं नीलम का बहुत बड़ा फैन था. मैंने नीलम की इल्जाम पिक्चर देखी थी, इल्जाम देखी थी, जवानी देखी थी. And Neelam was very much the teen sensation, and I was so excited that I'm doing a film with Neelam, meri pehli picture. So I was too excited and too nervous also. Yes. आपको क्या लगता है कि इतना, मतलब आप of course इनके fan रहे, आप कह रहे हो, but लोग आप दोनों के fan हो गए, आपकी जोड़ी के, आपकी chemistry के, we've done films together, मतलब what do you think worked आप दोनों के बीच? On screen तो बढ़िया था, off screen भी ऐसे ही था कि कुछ ऐसे pranks आप करते थे कि कुछ झगड़े होते थे, क्या scene है? बाप रे बाप, नीलम के साथ मुझे याद है एक बार हम आगे आगे शूटिंग कर रहे थे और एक गाना था लागली 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 ऐसी हिचकी लागली, जहाँ उसको भांग चढ़ गई है और वो नाच रही है. अब गाना शुरू होता है घर के अंदर, फिर बाहर चला आता है, बाहर चले आते हैं हम लोग जहाँ बारिश हो जाती है. तो नीलम मुझे देख रही थी यार, चंकी पांडे, और मुझे बोलती चंकी तू हर शॉट बारिश में मस्त दे रहा है, और मैं जब भी जाती हूँ करके मुझे ठंड लग रही है बारिश में, सीक्रेट क्या है? तो बोला नीलम मैं अपने कॉफी में थोड़ा ब्रांडी डाल के पी रहा हूँ. तो बोला यार मुझे भी दे दे, नीलम ने कहा. तो मैंने उसको एक पटियाला पैक बनाया और उसको इतनी चढ़ गई उस गाने में कि बेचारी बेहोश हो गई पी के, बिकॉज शी वाज शी यूज्ड टू नॉट ड्रिंक. तो उसने बड़ी धुलाई की मेरी उसके बाद, बिकॉज हमको शूटिंग बंद करना पड़ा उसकी वजह से, बेहोश हो गई. और सब मुझ पे चिल्ला रहे, तू तो कमर है, तूने हीरोइन को पिला दिया. ऐसे उसने मांगा, मैंने थोड़ी उसको फोर्स करके पिलाया. बट सो वी ऑलवेज हैड दिस beautiful, you know, loving chemistry, and I was very fond of her and meri achhi friend, and so many films we used to do together, but main hamesha kuch na kuch shararat karta tha uske sath. Oh, so sweet. Shararat se ye agli tasveer. Oho, bade kaam ka bandar, bade kaam ka bandar, mare to Dharminder, roye to Rajinder, naache to Jitender. गौर से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर इसका भी भला जो ना दे उसका भी भला. थैंक गॉड आई एम नॉट अ सिंगर. इतनी बेसुरी, फटी हुई बांसुरी की तरह मेरी आवाज है. नहीं नहीं, इसको असली मजा कहते हैं. बट हां जी बताएं कि क्या दिस इज ऑन ड्यूरिंग दैट सॉन्ग. Yes, I think this is either बड़े काम का बंदर. Yes, I think this is, या ये फिर जमुनाबाई स्कूल के सामने है जहाँ चीफ मिनिस्टर की किडनैपिंग होती है और हम उसकी गाड़ी के पीछे जंप करके जाते हैं. दिस इज वन ऑफ द टू सीन्स. लेकिन दिस इज अ मेमोरेबल फिल्म ऑफ गोविंदा एंड मी, एंड वी विल नेवर एवर फॉरगेट दिस. इट वाज अ ड्रीम, इट वाज अ पिकनिक. इतना मजा आया था इसको बनाते बनाते. हमने इस पिक्चर को 6 महीने के अंदर बनाई थी, विच इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट दैट टाइम, बिकॉज अंदाज अपना अपना रिलीज हो रही थी सलमान खान और आमिर खान के साथ, और पहलाज निलानी जी चाह रहे थे कि उनकी पिक्चर अंदाज अपना अपना से पहले आ जाए.
तो वी हैड टू वर्क ब्रेक नेक स्पीड एंड फिनिश दिस फिल्म. और वो बंदर जो था बड़ा कमीना बंदर था, बड़े काम का बंदर. सबसे पहले तो उसकी पेमेंट मेरे और गोविंदा से ज्यादा थी. हम दोनों का पेमेंट मिला तो बंदर का पेमेंट उतना था. बंदर आता था, हर हीरो की खूबी है तो. हाँ, थी उसके अंदर. अच्छा, बंदर आता था चेन्नई से मुंबई शूटिंग करने के लिए, रुकता था सन एंड सैंड होटल. बड़ा स्वीट होता था, उसके साथ छह उसके चमचे आते थे, मिस ट्रेनर्स उसके. रोज चिकन मटन खाता था बंदर, और रोज आधी बोतल दारू भी पीता था बंदर. बड़ा कमीना बंदर था, उसने हमें दो तीन बार कार्ड भी लिया. इनफैक्ट गोविंदा और मुझे शूटिंग के बीच में जाके हॉस्पिटल में रेबीज के शॉट्स भी लेने पड़े. अरे बाप रे, बड़ा कमीना था, बड़ा कमीना था. अब तो गोरिल्ला बन गया होगा. ओके, आखिरी दो तस्वीरें. ओह मम्मा मिया, माय मदर, ओह माय मिस. I didn't want to get emotional, but I just wanted, because you know it's a. तो मैं I was always known as a mama's boy. बिकॉज जब से मैं फिल्म लाइन में आया, मैं हर शूटिंग में अपनी मम्मी को लेके जाता था साथ में. और लोग मुझे कहते थे, यार हीरोइन अपनी मम्मी जी को लेके आते हैं, आप अपनी मम्मी को क्यों लेके आ रहे हैं? I said, you know, since a child, I've always seen my mother working. She was a doctor. तो मम्मी ने कभी हॉलीडे नहीं लिया था लाइफ में. तो मैं जहां भी मुझे मौका मिलता था, मैं अपने मम्मी को लेके जाता था साथ में. अच्छा, और एक प्रॉब्लम था, मेरे चार पांच गर्लफ्रेंड्स हुआ करते थे. अब अगर एक गर्लफ्रेंड को लेके जाओ तो बाकी चार मुझे अंडे मारते हैं. तो सेफ होता है मम्मी को ले जाओ साथ में, तो किसी को बुरा भी नहीं लगे. बट यस, आई एम सो लकी दैट आई गॉट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड विद माय मदर. ये जो फोटोग्राफ है, मुझे लगता है ये लिया है हमने अमेरिका में. मैं अपने मम्मी को शो पर ले गया था और हम लोग डिज्नीलैंड पहुंचे थे और गाड़ी का दरवाजा खुला. एंड वी वर आई वाज आस्किंग अ मम, यू आर श्योर यू वांट टू गो टू डिज्नीलैंड? और मम्मी बच्चा बन गई थी. शी सेज, यस आई रियली वांट टू गो टू डिज्नीलैंड. तो लोग अपने बच्चों को डिज्नीलैंड लेके जाते हैं. मैं पहली बार अपने माँ को लेके गया डिज्नीलैंड. या सो दिस इज जस्ट बिफोर गेटिंग इनटू डिज्नीलैंड. इट लुक्स लाइक अ पोज यू गिवन ऐसे देखते हुए. एंड मम्मा इज लाइक, या या, एंड सी हाउ एक्साइटेड शी इज. पता चल रहा है कि शी इज गोइंग टू डिज्नीलैंड. So sweet, thank you for sharing that memory. कोई ऐसी बात मामा की कही हुई जो आप हमेशा follow करते आए हो और अब और भी करेंगे, just as an advice जो उन्होंने आपको दिया या आप share करना चाहते हैं? She always told me कि work comes first. Work comes first. कुछ भी हो जाए, you have to respect your work. एक बार आपने किसी को हाँ बोल दिया, तो काम किसी भी हालत में complete करो. अगर आपको पसंद आए भी नहीं आए, किसी को कभी लटका नहीं देना. Do not trouble people. So that is what my mother told me. Worship work, and I'll always remember that. And she says, "Kaam band nahi karo kabhi. Even if someone dies, someone is not well, you're not well, because you have to keep working." I've seen my parents doing it. They used to not be well, but they used to still keep working. So, and my mother was 85 when she died. Until last September, she was actually working. So for her, work was worship. And she says, "Work. Aap jab tak work karte rahenge, aap young rahenge." So just keep working. I'll never forget that about my mother. I hero worship my mother. So sweet. Hope that you always keep getting so much love ki aapko kabhi kisi cheez ki kami mehsoos na ho. And on a lighter note, the last tasveer for this segment. Oh, baba re baba. 2004 Leelavati Hospital. Meri chutiya Raisa Pandey paida hui thi. Aur ye, main shooting kar raha tha aur फोन आया कि भावना का इज गोइंग टू डिलीवर. तो मैं भागते भागते आया चांदी बिल्ली स्टूडियो से. एंड बाय द टाइम आई रीच्ड, शी वाज जस्ट गोइंग टू बी बॉर्न. एंड दिस इज वन आवर आफ्टर शी वाज बॉर्न, राइसा. और मेरे बगल में है उसकी बड़ी बहन अनन्या पांडे. हाँ जी, कौन ज्यादा पापा की तरह है दोनों में से, फटाफट बताओ. चलो, जो मम्मा या पापा की तरह है, दोनों की तरह कौन ज्यादा, लाइक हु इज मोर लाइक यू? बहुत भावना, दोनों भावना है. बट दोनों का जो एटीट्यूड है वो चंकी पांडे है. दिखती है भावना की तरह, बट दे आर वेरी हैप्पी 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 चिल्ड्रन. सो आई थिंक वो जीन पापा से आया. दे वेरी बिंदास बच्चा. बिंदास बच्चा, ये तो होना ही चाहिए. अरे कैसी लगी ये तस्वीरें चंकी? अरे बहुत अच्छी यार.
ये आपने मेरे इंस्टाग्राम से छुराई है, बट बहुत अच्छी लगी देखिए हम आपसे यादें ये थोड़ी सी लेना चाहते थे. इट्स ऑल आवर लव फॉर यू, वी वांटेड टू हियर यू टॉक अबाउट इट एंड दैट्स व्हाई छुराया. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू. रेडियो नशा.